हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सी लटकन बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत डिफरेंट तरीके से होगी। तो इसकी लेंथ और विड्थ रहेगी 12x5 इंच, मतलब जो इसकी लेंथ रखनी है आपको 5 इंच रखनी है और विड्थ जो रहेगी वो 12 इंच रखनी है। देखिए, इस तरीके से फैब्रिक को लेना है आपको। नॉर्मल इस तरीके से फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद एक और बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए, ये फोल्डेड हो गया। ये फोल्डेड साइड से देखिए हमें 1 इंच या फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा, फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद यहाँ साइड से जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच पर रख के इस तरीके से मैंने मार्क करा। ये जो ऊपर साइड खुला वाला साइड है वहाँ से हमें 2.5 इंच पर रख के मार्क करना। यहाँ साइड से हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरीके से लिया हमने। अब इसमें हमें शेप देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव की जो शेप होती है देते हैं, वैसे ही हम इसमें शेप देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें शेप दिया। शेप देने के बाद आप इस फैब्रिक को पिनअप कर लीजिए। अगर आपके पास कोई स्लिपरी फैब्रिक है तो आप पिनअप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम जो दूसरा वाला पीस रहेगा उसको भी हम सेम इसी तरीके से कट करेंगे। तो देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से ये मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद ये हम पिन को बाहर निकाल देंगे। देखिए, मैंने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे और बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद, तो पहले हम फोल्ड बाद में करेंगे, पहले हमें साइड की इसकी फिनिशिंग देनी है। उसके लिए देखिए, यहाँ से फैब्रिक को 1/2 इंच के अंदर टर्न करिए और यहाँ पर पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लीजिए। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इधर साइड पे भी सेम ऐसा ही, जो रॉन्ग डायरेक्शन रहेगी उधर साइड पे आपको इस तरीके से फोल्ड करके फिनिश करना है और यहाँ पे नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से फैब्रिक को मोड़ना है। देखिए, जो हमने सिलाई लगाई रहेगी वो सब अंदर साइड को, जो उसका फिनिशिंग वाला साइड रहेगा वो अंदर साइड को रहेगा। तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने साइड को इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, एक साइड पे मैंने सिलाई लगाई, सेम ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसे रखा और यहाँ पे भी इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद आप ये देख, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, सेम ऐसे ही हमें जो दूसरा वाला पीस रहेगा उसको भी रेडी करना है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इस तरीके से जो सिलाई वाला साइड रहेगा वो ऊपर साइड पर रहेगा और देखिए, मैं इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। ये मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये सारा मैं उल्टे साइड पे कर रही हूँ, आपको इस बात का ध्यान देना है। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जैसे शेप दे रखा है वैसे ही रख के हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन लेते हुए आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप 1/2 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रखते हुए मैं 1 फुट का गैप देते हुए सिलाई दे रही हूँ। और सेम ऐसे ही हम जो दूसरा वाला पीस है उसको भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसे सिलाई करके रेडी कर लिया। देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर भी सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और थ्रेड वगैरह है वो हम कट कर देंगे और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं क्योंकि हम इसे मोड़ेंगे तो इसमें श्रिंक नहीं आना चाहिए। इसके लिए इसमें मैं छोटा छोटा कट दे दिया। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो मैंने, देखिए, सेफ्टी पिन से इसको रखेंगे, अंदर साइड को फैब्रिक को लेकर जाना है और बाहर साइड को सीधा कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पीस को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो मैं ये पहले रेडी करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन कर सकते हैं। ये मेरा नेट का फैब्रिक था इसलिए मैं इस पर आयरन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी स्लिपरी फैब्रिक है तो आप प्लीज़ इस पर आयरन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी जो फिनिशिंग आएगी वो अच्छी आएगी। इसमें जो डिज़ाइन है इसकी वजह से भी मैं इसके ऊपर आयरन नहीं करूँगी। अगर आयरन किया तो ये निकल जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आयरन नहीं करूँगी। इसको हम हाथ से ही अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा वाला पीस भी मैंने रेडी कर लिया है। देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों पीस बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, मतलब 1/2 इंच के लगभग हमें सिलाई लगानी है। जितनी डोरी रहेगी डोरी के हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो मैं आपको इस पर सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। जो नीचे वाला साइड था उधर साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये सेम ऐसे ही दूसरे वाले पीस पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हम कट कर देंगे। इधर साइड से भी मैंने कट कर दिया थ्रेड को। अब हमें इसके अंदर से डोरी को पास करनी है। तो देखिए, मैंने डोरी 2 बना रखी है। अगर आप चाहें तो जो रेडीमेड डोरियाँ होती हैं वो भी आप लगा सकते हैं।
देखिए, इस तरीके से आपको डोरी को यहाँ से पहले इसे फिक्स कर लेना है। आप पहले थ्रेड में नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद आप यहाँ पे एक से दो बारी टाँक लीजिए। देखिए, इस तरीके से हम इसको टाँक लेंगे। अब टाँकने के बाद हम नीडल को इसके अंदर से जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हम इसे पास करना है। तो देखिए, अगर आप थ्रेड बड़ा रखोगे तो सही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले देखिए, इस तरीके से हम ये थ्रेड नीडल को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से करते जाना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे बाहर को निकाल लिया है। अब हम डोरी को इसके अंदर से पास करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा खींचेंगे फैब्रिक को, तो ये डोरी अच्छे से पास हो जाएगी। ये देखिए, पास कर ली मैंने इधर से। सेम ऐसे ही दूसरी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं निकालना है डोरी को। देखिए, इस तरीके से रखा, डोरी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। इसमें हमें देखिए, इस तरीके से इसमें चुन्नट देनी है। ये देखिए, इसको हम इसमें इस तरीके से गैदरिंग कर लेंगे, बिल्कुल पास से कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर से खींच लेंगे, डोरी एक्स्ट्रा नहीं रखनी है आपको पीछे साइड पे। तो मैं देखिए इसको अच्छे से बराबर से रखूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी डोरी बाहर को निकल रही है। तो मैं ये जो फैब्रिक है उसको हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर आपको नॉर्मल यहाँ से टाँक लेना है। अगर आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नीडल और थ्रेड की हेल्प से ही इसमें यहाँ पे नॉट लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा फूल सा बन के आता है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे दूसरे वाले थ्रेड के पास, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देखिए, इस तरीके से रखा हमने, फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से रखेंगे, और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मल नॉट लगा देंगे। तो आप चाहें तो दो से तीन बारी यहाँ पे रख के नॉट लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी रखा हमने, नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद ये थोड़ा सा मेरा थ्रेड फंस रहा है, अगर आप थ्रेड थोड़ा छोटा रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये देखिए, सीधा साइड है, सीधे साइड पे हमें क्या करना है, मैंने ये मोती ले रखे हैं, तो मोती को इसके ऊपर रख के मैं अटैच करूँगी। अगर आप चाहते हैं जो खुला वाला साइड है, आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो मैंने ये देखिए मोती ले रखे हुए हैं, जिसमें मैं दो से तीन मोती अब लगा सकते हैं, या फिर आप बड़ा सा भी बटन लगा सकते हैं, जो डेकोरेटिव बटन होते हैं वो। तो देखिए, इस तरीके से हमने ये, मैंने अभी दो मोती लगाए हैं इसके ऊपर। यहाँ पे मैं इसको पहले अच्छे से फिक्स कर लूँगी, फिर इसमें एक और मोती को मैं अटैच करूँगी, तो जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और एक चीज़ और, अगर आप ऐसे किनारे पे अगर लेस वगैरह लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। मेरा फैब्रिक थोड़ा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो आप अगर आपको इसमें थोड़ा सा और इसको डेकोरेटिव बनाना हो तो आप नीचे साइड पर लेस लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें तीन मोती लगाए हुए हैं, इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको फिक्स करते जाएंगे और बैक साइड पे ले जाकर नॉट लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने रखा इसको, और यहाँ पे दो से तीन बारी रख के आपको नॉट लगा देना है। सेम ऐसे ही हम जो दूसरा लटकन है उसको भी बनाकर इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर नॉट लगाया। नॉट लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड जो रहेगा वो हम कट कर देंगे। देखिए, ये इसको पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको एडजस्ट करूँगी, ताकि जो हमारा मोती है वो इधर उधर नहीं खिसके। तो आप दो से तीन बारी इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों लटकन को बनाकर रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। आप इस लटकन को लहंगे में भी आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा आएगा। इसकी जो साइज़ है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ब्लाउज़ में भी आप इस लटकन को बना सकते हैं, और बच्चों के फ्रॉक में भी इसे बना सकते हैं। सो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।